शुक्रवार की रात इस वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इस ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि इस वर्ष चार चंद्र ग्रहण लगने हैं। 5 जून को होने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया होगा। चांद पृथ्वी की हल्की छाया से होकर गुजरेगा। इसी माह में सूर्य ग्रहण 21 जून को होगा। इन दोनों की ही पौराणिक और वैधानिक महत्व है। इस वर्ष भारत में 4 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। भारत में आज दिखने वाला चंद्र ग्रहण वास्तविक रूप से नहीं ढकेगा, केवल प्रतिछाया रहेगी। आपको यहां पर ये भी बता दें कि उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण लोगों के बीच सामान्य चांद और ग्रहण वाले चांद के बीच अंतर करना मुश्किल होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा में आकार में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। इस दौरान चंद्रमा की छवि कुछ धुंधली जरूर हो जाएगी और ये कुछ मटमैला सा दिखाई देगा। इसकी वजह यह है कि यह वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं है, यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। इससे पहले 10 जनवरी को ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा था। अभी आ रही है जून, 5-6 जून को प्रतिछाया चंद्र ग्रहण होने वाला है, 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है, और अगर हम पुनः देखते हैं तो 5 जुलाई को पुनः चंद्र ग्रहण होगा। जो प्रतिछाया चंद्र ग्रहण 5-6 जून को होने वाला है, क्योंकि प्रतिछाया चंद्र ग्रहण है तो इसलिए इसमें चंद्रमा वास्तविक रूप से नहीं ढकता है, केवल प्रतिछाया वाला हिस्से से गुजरने के कारण उसकी रोशनी थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन 21 जून को जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत अच्छा सूर्य ग्रहण है। कणिका सूर्य ग्रहण है जिसमें सूर्य का 98.6% भाग ढक जाएगा और पूरी कंगन जैसी बहुत अच्छी आकृति दिखेगी। भारत का भी जो उत्तरी भाग है वहाँ पर ये ग्रहण अच्छे प्रकार से कणिका की स्थिति देखी जाएगी। उज्जैन में भी ये ग्रहण दिखाई देगा और उज्जैन में जो स्थिति बनेगी वो 74.6% तक सूर्य ढक जाएगा, तो एक बहुत बड़ा भाग सूर्य के ढकने की स्थिति होती है। अगर बादल खुले होंगे तो इस ग्रहण को हम बहुत अच्छे प्रकार से देख पाएंगे, क्योंकि 10:10 से 1:42 तक लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा ये ग्रहण देखा जाएगा। 5 जुलाई को भी प्रतिछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन यह भारत में दृश्य नहीं है, क्योंकि यह सुबह के समय इस ग्रहण का प्रारंभ होना है, दिन के समय यह ग्रहण रहे। इस ग्रहण में दूसरे ग्रहण के समान बाध्यताएं नहीं होंगी। इसमें ना तो सूतक माना जाता है और ना ही पूजा पाठ की कोई मनाही है। आपको बता दें कि दान देना प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। भले ही उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान दान देने की बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसा करने से जो मानसिक शांति और दूसरों को लाभ मिलता है, इसकी कल्पना करना खुद के लिए भी सुखद होता है। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।